अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे भूख बहुत लग रही थी। मैंने नाश्ता किया मसर की दाल और साथ पेशावरी रोटी का। खाना खाने के बाद बच्चे कह रहे थे कि हमने ईद की शॉपिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको चांद रात मुबारक हो और एडवांस में ईद मुबारक हो। तो आज हम जा रहे हैं इन बच्चों की शॉपिंग करने। बच्चों ने क्या क्या लेना है? इन्होंने कह रहे थे कि चूड़ियाँ लेनी है, कुछ अंगूठियाँ लेनी है और कुछ चेन वगैरह लेनी है। हम लेने जा रहे हैं सस्ते बाज़ार में से, जो कि जिसका नाम है बुद्ध बाज़ार। आपको पता है कि जुमे रात को ईद है, तो हम जा रहे हैं बुद्ध बाज़ार में। तो चलें उड़वा। हम देखिए बुद्ध बाज़ार आ गए। अब हमने चूड़ियाँ चैन अंगूठी बड़ा कुछ लेना है, तब आएंगे हम, तब आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो आपको सामने नजर आ रहा है ये है। कौन सी चीज ले ली है? ये ले लिया हमने गानिया, ये ले लिया हमने, ये मेरी बात, ये गुठी। आज चांद रात है और रश बहुत ज्यादा है और औरतें बहुत ज्यादा थी। मैं डर रहा था कि मैं यार वीडियो कैसे बनाऊं। बच्चों की थोड़ी सी हमने शॉपिंग की, बाद में ये कह रहे थे कि हमने कोई खाने वाली निमको वगैरह लेनी है। रश बहुत ज्यादा था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं फटाफट चीजें लेके घर वापस आ गया। मैं घर आया तो मेरी प्यास से बहुत बुरी हालत थी। मैं फटाफट पानी की बोतल को मुंह लगाया और सारी बोतल पी गया। बाद में मैं अपने प्यारे मेहमान जानवरों को देखने आ गया कि किस हालत में है। ये ब्राउन वाला अल्हम्दुलिल्लाह अपना है और ये काले वाला बेचने के लिए है। मैं इनके पास नहीं जा रहा था भाई, पुत्र जाते हैं फिर मारते हैं। बाद में मैं सर्विस स्टेशन पर आ गया अपनी छनछन वाली बाइक दिलवाने के लिए। इसके बाद तो भाई मेरी एक ही ड्यूटी लग सकती है, वो है दुकान वाली। फिर मैं दुकान पे बैठ गया सारा दिन, फिर मैं दुकान पे बैठा रहा। आज चांद रात थी और कुछ सफाई भी करनी थी दुकान की। चलो कोई नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम होते रहते हैं। फिर क्या यार, गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैंने सोचा आज चांद रात हमारी इधर ही होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल ईद वाले व्लॉग में। आप यार सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। बाकी गुड हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।